हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ पापड़ी और इसे गुजराती में सुखड़ी कहते हैं। और इसके लिए हमें सामग्री चाहिए 250 ग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम घी, 250 ग्राम गुड़। मैंने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। 4 टेबलस्पून गेहूं का जाडा आटा जो हम लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गार्निशिंग के लिए बादाम। सबसे पहले हम धीमी आंच पे घी गरम होने रखेंगे। जब घी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब हम उसमें गेहूं का आटा ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से स्टर करेंगे। गेहूं के आटे को लगातार स्टर करते हुए धीमी आंच पे सेकना है। इसे सेकने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट सेकने के बाद इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसमें गुड़ ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ और आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और सेट होने रखेंगे। हम इसके ऊपर बादाम ऐड करेंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे और इसे 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। मिनट के बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये जब गर्म हो तभी इसको कट करें। अब हम इसे आधे घंटे तक ठंडा होने देंगे। आधे घंटे के बाद हमारी गुड़ पापड़ी यानी कि सुखड़ी तैयार है। अब हम इसके पीस कर लेंगे। आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।